जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। 3:06 हो गई और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि आज अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, हमने जो निफ्टी का लेवल चुना था 430, वहाँ से गिरा है, 100 पॉइंट गिरा भी आपने देख सकते हो, है ना। लेकिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी चलो 781 का हाई बना के कमज़ोर ज़रूर हुआ है, मगर ये कमज़ोर रियल कमज़ोर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जब तक 216 के नीचे नहीं जाएगा, कितना 216 के नीचे, 44216 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक फ्यूचर में तब तक इसकी ताकत वही है कि 45,000 ऊपर आ जाए। ठीक है, इसके लिए बी केयरफुल, है ना। अब आप बोलोगे सर कल तेजी रहेगी या मंदी, तो मैं बैंक निफ्टी का देखते हुए तो नहीं बोल रहा हूँ कि कल बैंक निफ्टी में तेजी कल कंफर्म रहेगी, लेकिन ये सरप्राइजिंग चीज़ करता है। अगर आज ये 217 के ऊपर मेंटेन रख लिया तो कल सरप्राइजिंग तेजी कर सकता है। ठीक है, बट डेफिनेटली एक अच्छा सेल आया है। मगर निफ्टी में देखिए कल की प्रीवियस क्लोज से अभी भी ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ये क्या सिग्नल दे रहा है आपको, मार्केट वीक नहीं है। कल भी वीक नहीं है, क्योंकि बिकॉज इस ऊपर से फॉल होने के बावजूद इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव यस्टरडेज क्लोज 19,337, अभी भी 342 पे ट्रेड हो रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर प्रीवियस क्लोज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और कल का लो भी तोड़ा है फ्यूचर का, कल का फ्यूचर का लो भी तोड़ा, लेकिन कल का फ्यूचर का हाई भी तो तोड़ा है। तो इसको हम आज के स्क्रीन रीडिंग के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी कमज़ोर हो रहा है, अभी निफ्टी स्ट्रांग हुआ आज। बट जब तक ये 217 के 200 के नीचे क्लोज नहीं दे, 44,200 स्पॉट के नीचे क्लोज नहीं दे, तब तक ये सेल बनता ही नहीं है। 44,200 स्पॉट के नीचे क्लोज दे दे, या उसके नीचे एक घंटा ट्रेड कर ले या आधा घंटा से ज़्यादा ट्रेड कर ले तो ही ये वीक होगा, उसके पहले ये 45,000 का ही ताकत रखता है। तो अब कल एक सरप्राइजिंग दिन हो सकता है, क्योंकि इस महीने का वो कल आखिरी दिन है, इस मंथ का। ठीक है, और कल वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, और महीने की क्लोजिंग भी कल आएगी। तो कल एक वाइटल डे है, बी केयरफुल। अगर आप निफ्टी में कोई शॉर्ट में है तो बी केयरफुल प्लीज़, बिकॉज इसने इसको मिलाने के लिए 337 आया है, ऊपर से प्रीवियस क्लोज से ऊपर खुला था 409, इसको मिलाने के लिए आया है, और ये जरूर वीक हुआ है। मगर जब तक 217 क्यों बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, देख लीजिए आप, मैं खोल के बैठा था अभी, कहाँ गया, बस लुपिन का खुल गया। चलो कोई बात नहीं, अब बैंक निफ्टी का 217 का जो है, 216 का फिगर, वो टूटना जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को वीक होना है। आई डोंट थिंक बैंक निफ्टी विल बी वीकेंड। हालांकि आज इसने अपना काम किया, मैंने सुबह बोल दिया प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाद में मैंने बाई दिया है, तो आज इंट्राडे में मेरा स्टॉप लॉस हुआ, 370 का स्टॉप लॉस था। लेकिन मैं पर्सनली फिर भी फील करता हूँ कि कल एक चमत्कारिक मूव दे सकता है, बट इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि स्क्रीन हमको सेल ही बोल रही है इसमें। ठीक है, स्क्रीन निफ्टी में बाई बोल रही है। आप देखो कोफोर्ज को मैंने जो 5,320 का आज का इंट्राडे टारगेट दिया था, 5,220 के आसपास बाई करवाया था, है ना, और आप देखो ये भी 100 रुपया 37 का ही मार के आ गया। तो सब जबरदस्त चल रहे। मारुति देखो, और बाप रे, मारुति 9,800 की तरफ आ गया, लुक एट दिस। और गिरा क्या फार्मा, आप देखो, ये देखो डॉक्टर रेडी 5,650, ये देखो सिप्ला ऊपर से 56 से 38। ठीक है, ठीक है, लुपिन भी आज थोड़ा कल से ऊपर है, लेकिन ऐसे नीचे ही है। तो मैंने बोला था फार्मा, लेकिन आप देखो निफ्टी कंट्रोल में है, और ये तोड़ दिया 200 का लो, ये तो खतरनाक मूवमेंट हो गया भाई बैंक निफ्टी में, समथिंग अनयूजुअल।
ये क्या हुआ आज, नया हाई नया लो दोनों बना दिया, तो डेंजरस मूव हो गया। एक मिनट मैं ये आफ्टर मार्केट समझाऊंगा आपको क्यों आया 116 आज, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।